सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुफ्त में शराबियों को शराब और चखना नहीं मिला तो रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। तस्वीरें सामने आई हैं कल्याण से सटे उल्लासनगर कैंप 1 से, जहां एक रेस्टोरेंट में कुछ शराबियों ने मुफ्त में शराब और चखना मांगा, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलने पर दादागिरी करने लगे और रेस्टोरेंट पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि उल्लासनगर में मुफ्त में खाना शराब के लिए पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस तरह की घटना से बार रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने निषेध जाहिर किया है और पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। मैं नानी काउजा उल्लासनगर होटल एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट, हिमालय होटल का मालिक। कल रात को 5-6 लोग कुंदे टाइप के छोकरे लोग हमारे होटल पे आए, तो फ्री में बियर वो मांग रहे थे। मैं न देने पे मना करने के बाद में बाहर निकल के उन लोगों ने भरी हुई बियर की बोतलें और बड़े बड़े पत्थर उठा के होटल के ऊपर फेंके, जिसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। आने आने लोगों को, कुछ लोगों को बोतलें टूटे हुए कांच लगे हैं। मैंने रात को उसकी कंप्लेंट की है पुलिस चौकी में आगे। मेरी यही एक रिक्वेस्ट है पुलिस वाले साहब लोगों से कि इसमें बड़ा एक्शन लिया जाए। जो ये हमारी हमेशा की तकलीफ है, राजू नाम का सरदार है जो मच्छी का धंधा करता है, वो हमेशा आके ये तकलीफ देता है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इस तकलीफ से निजात दिलाई जाए और इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए। इस विषय पर मैंने रात को एक कंप्लेंट की है जिसकी पुलिस ने ये कॉपी दी हुई है, और मैं पुलिस से चाहता हूँ कि मैं उन लोग हमको सहयोग करें जो हम बराबर अपने तरीके धंधा सही ढंग से चला सकें। अगर ऐसी तकलीफ है, ऐसी गुंडागर्दी है, तो हम लोग अपना धंधा कैसे करेंगे? पहले उल्लास में व्यापार कम होता जा रहा है, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी तकलीफों की वजह से, ऐसी बाइकरी की वजह से और धंधे की सत्ता ना हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा पुलिस वालों साहब से कि मेरे को इस गुंडागर्दी से निजात दिलाई जाए, हमको सहयोग करें, व्यापारियों को सहयोग करें, जिसमें से हम लोग अपना थोड़ा बहुत धंधा जो बचा हुआ है वो थोड़ा बहुत धंधा कर सकें। और ये जो रात को घटना हुई है उसकी पूरा CCTV फुटेज मेरे पास है, जो मैंने पुलिस चौकी में साहब लोगों को भी दी है, और अभी मैं आप लोगों के लाश जाबाज के माध्यम से प्रेस को भी दे रहा हूँ, जो इसको थोड़ा वायरल करके उसके ऊपर थोड़ा एक्शन लिया जाए।